वेलकम टू पीस टाइम्स कश्मीर। डीडीसी इलेक्शन को लेकर कुपवाड़ा जिला में फॉर्म नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इस बार खवातीन भी बड़ी तादाद में इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कादिराबाद आवरा की गुफ्का डिक्लेरेशन की खातून उम्मीदवार ताहिरा बेगम ने अपना फॉर्म नामजदगी दाखिल किया, बाद में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की और कहा कि मुझे आवाम की खिदमत करने का शौक़ है। उन्होंने कहा, लोगों से कहा कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करके उसकी कदर बढ़ा दें। ताहरा ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि आवाम को कुपवाड़ा डिक्लेरेशन के हक में वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपने वोट को इज्जत बख्शें। गुफ्कार एन एस की शुक्रगुजार हूँ और अपनी पार्टी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे चुना, इस काबिल समझा। इसे लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि वो लोग आगे आए, यूथ आगे आए, अपना कीमती वोट ज़ाया ना करें, गुफ्कार एन एस को कामयाब कराएं। शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जो हमारी ये गुफ्कार अलायंस जिन्होंने कैदराबाद ब्लॉक एज एन सी को दिया है, लेकिन गुफ्कार एलायंस ने दिया है, हमने किसी पार्टी का या आज़ाद उम्मीदवार का जो नॉमिनेशन फॉर्म्स फिलअप किया है नहीं किया, सिर्फ गुप्कार अलायंस के जरिए हमने किया है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा ये फायदा है, मैं एज ए चीफ एजेंट हूँ ताहिरा जी का, लेकिन जैसे कि गुप्कार अलायंस दिया है, इसमें चाहे हमारा पीसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, एनसी है, हमें किसी की शेड अभी आगे नहीं आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी ये बात है, सबसे पहले जब हम वोट डालते थे उस टाइम हमें आपस बरादरी में, चाहे पीसी वाला हो उसको हमारी शेड आती, पीडीपी वाला हो उसको दूसरों की तरफ देख के वो उधर इधर जाता था, लेकिन आज जम्मू एंड कश्मीर के लिए सबसे खुशी की बात है जिन्होंने ये गुफ्कार अलायंस बनाया है। इसकी वसादत से इंशाल्लाह ये सिर्फ जम्मू एंड ये सिर्फ यहाँ एनसी का मसला नहीं है, लेकिन ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर का मसला है। इस टाइम लोगों को सबसे बड़ा मौका मिला है अपना जो ज़ाती मकसद हैं, जैसे कि जितने भी मसाले हैं, आर्टिकल 370 है या ए हैं, इंशाल्लाह रहमान गुफ्कार अलायंस ने ये सबसे बड़ी बात की है। इसकी वसादत से इंशाल्लाह रहमान हम ये कैदराबाद ब्लॉक जो हैं इंशाल्लाह रहमान गुफ्कार अलायंस की वजह से हम इंशाल्लाह जीत पाएंगे, क्योंकि इसमें सब लोग हमारे साथ हैं। हम पीसी के शुक्रगुजार हैं, हम पीडीपी के शुक्रगुजार हैं, हम तमाम कांग्रेस के तमाम पार्टी के शुक्रगुजार जिन्होंने आज हमें साथ दिया है और हम उनके वसादत।